हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं एसराज इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RSAT एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि RSAT का ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम या री एग्ज़ाम कैसे होता है। RSAT एग्ज़ाम में कितना समय लगता है, RSAT एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि RSAT एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, जिससे कि आपको RSAT एग्ज़ाम की पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको RSAT एग्ज़ाम की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद आपको RSAT एग्ज़ाम से कोई जुड़े हुए कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हम इस चैनल पर RSAT एग्ज़ाम की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा दे देंगे, जिससे कि हम आपको RSAT एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकें। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप RSAT एग्ज़ाम में 100% गारंटी से पास हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम RSAT एग्ज़ाम की इस तरीके से तैयारी भी करवाएंगे कि आप RSAT एग्ज़ाम में 100% नंबर ला सकते हैं, अर्थात आप RSAT एग्ज़ाम में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आती है RSAT के ऑनलाइन एग्ज़ाम की। RSAT के ऑनलाइन एग्ज़ाम को इंटरनल एग्ज़ाम भी कहा जाता है। RSAT का ऑनलाइन एग्ज़ाम 30 नंबर का होता है और यह आपका एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक अर्थात फिंगरप्रिंट के द्वारा आपकी अटेंडेंस ली जाती है, जो कि एक दिन में एक ली जाएगी। तो इस आधार पर आपके RSAT ऑनलाइन एग्ज़ाम में 15 असाइनमेंट होते हैं, जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। तो उन्हें 15 असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको 15 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि एक दिन में एक असाइनमेंट ही कंप्लीट कर सकते हैं। और इन असाइनमेंट में एक असाइनमेंट के 2 नंबर होते हैं, जिसमें कि एक असाइनमेंट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 10 ही क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस प्रकार आपके RSAT एग्ज़ाम के 15 असाइनमेंट के 30 नंबर हो जाएंगे और आपका RSAT का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है अर्थात इंटरनल एग्ज़ाम है, वो 30 नंबर का हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए मिनिमम 12 नंबर की आवश्यकता होगी। अगर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में 12 नंबर आ जाते हैं या उससे अधिक नंबर आएंगे, तो आप RSAT का जो मेन एग्ज़ाम है, जो कि ऑफलाइन होता है, वो देने दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो एग्ज़ाम है, अगर उस आप 30 में से 12 नंबर लाएंगे तो आप RSAT का मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम RSAT का सबसे मेन एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में RSAT का सेंटर पे नहीं बल्कि दूसरे सेंटर पे जाकर तो आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें ABCD वाइज अर्थात MCQ बेस सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस एग्ज़ाम में इस तरह से 35 क्वेश्चन होंगे, जो कि 70 नंबर के होंगे, क्योंकि उनमें एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 14 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य हैं। अगर आप 14 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप RSAT एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और 14 क्वेश्चन के 28 नंबर होते हैं तो आपको RSAT एग्ज़ाम में 70 में से कम 28 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आप 28 से कम नंबर लाते हैं तो आप RSAT एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और आपको RSAT एग्ज़ाम फिर से देना होता है। जो आप RSAT का मेन एग्ज़ाम है वो संडे के दिन होता है और 1 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है RSAT के री एग्ज़ाम की। अगर आपने हमारे YouTube चैनल से RSAT एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपके RSAT एग्ज़ाम में से पूरे नंबर आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि आपको RSAT की तैयारी हम बहुत ही आसान तरीके से कराते हैं, जिससे कि आप RSAT एग्ज़ाम में पूरे से पूरे नंबर भी आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अगर आप RSAT एग्ज़ाम में एक बार फेल हो जाते हैं तो आप RSAT का री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ऐसा आप अधिकतम 4 बार कर सकते हैं और हर बार आपको RSAT री एग्ज़ाम की फ़ीस देनी होगी, जो कि आपको RSAT सेंटर पर ही दी जा सकती है। आप RSAT के री एग्ज़ाम के लिए सेंटर से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से RSAT के री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। RSAT एग्ज़ाम से जुड़े कुछ प्रश्न लेते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इनका प्रश्न है भाई, पेपर ABCD के ऑप्शन से होता है या रिप्ले मी, पूरी जानकारी ज़रूर देना। तो हाँ, RSAT का पेपर होता है जो ABCD के ऑप्शन से होता है और उसके उत्तर हम देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दे देता हूँ, इसे देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाए। RSAT के पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं और आपको एक OMR शीट दी जाती है, जिसमें आप उसके उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न होता है क्या सर्टिफिकेट में? तो RSAT सर्टिफिकेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, उसमें सीधे ही परसेंटेज दिखाए जाते हैं। तो ऐसा RSAT सर्टिफिकेट में नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, एक बार फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे तो कितना टाइम लिमिट होती है क्या? तो RSAT एग्ज़ाम में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जब भी सेंटर पे आगे से आता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उन बैच की लिस्ट आती है, तो उससे ही हमें पता चलता है कि आपका RSAT एग्ज़ाम कब होगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इनका प्रश्न है कि 10वीं से पहले RSAT कर लें तो वैलिड है या नहीं। इनका कहना है कि RSAT का एग्ज़ाम या RSAT की परीक्षा या RSAT कोर्स हम 10वीं से पहले कर दें तो क्या यह वैलिड होगा? तो जी हाँ, आपका RSAT कोर्स आप कभी भी कर सकते हैं, 10वीं से पहले भी कर सकते हैं, पहली क्लास में भी कर सकते हैं। आप कभी भी एक RSAT कोर्स करेंगे तो वो आपका वैलिड होगा। अगला प्रश्न है, सर RSAT सेंटर पर फिंगरप्रिंट पुश करने होता है, वो मिनिमम कितने दिन करना पड़ता है जिससे कि हम मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? प्लीज़ रिप्लाई सर। तो जब RSAT एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, तब हमको फिंगरप्रिंट लगाना होता है। और वो फिंगरप्रिंट कितने दिन तक लगाना होता है, मतलब कम से कम कितने दिन हम तक फिंगरप्रिंट लगाएं तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसका सही उत्तर ये है कि जब भी आपके RSAT का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें 12 नंबर से अधिक या 12 नंबर हो जाते हैं तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप 12 नंबर या उससे अधिक आएंगे तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें पूछा गया कि RSAT कोर्स के लिए 10वीं क्लास पास की मान्यता ज़रूरी है? तो जी नहीं, RSAT एग्ज़ाम के लिए 10वीं क्लास की पास की मान्यता ज़रूरी नहीं होती है। GS टेक हिंदी, इनका सवाल है, सर ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर मिस हो जाए कोई एक असाइनमेंट तो क्या होगा? इनका कहना है कि RSAT एग्ज़ाम है, उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो 15 असाइनमेंट होते हैं उनमें से अगर एक दो असाइनमेंट मिस हो जाए तो क्या होगा? तो इसके लिए ये है कि उस असाइनमेंट के नंबर RSAT एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे जिससे कि आपके कम परसेंटेज बनेंगे, लेकिन अगर 12 नंबर से अधिक आपके हो जाते हैं तो आप RSAT एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके परसेंटेज कम बनेंगे इससे। ललित पटेल, इनका सवाल है, RSAT के एग्ज़ाम में दो बार फेल हो गया तो फिर से 3350 देना पड़ेगा। इनका कहना है कि अगर ये RSAT एग्ज़ाम में दो बार फेल हो जाते हैं तो इनको 3350 रुपये फिर से देने होंगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि RSAT के एग्ज़ाम को हम अधिकतम 4 बार दे सकते हैं, अर्थात RSAT के री एग्ज़ाम को हम 3 बार दे सकते हैं, एक बार पहले एग्ज़ाम होता है। तो इस प्रकार हम 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको 3350 रुपये नहीं देने होंगे, आप RSAT का अधिकतम 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल से RSAT एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप RSAT एग्ज़ाम आसानी से पास करते हैं, बहुत ही आसानी से एक बार में आपका RSAT एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर क्या हमें RSAT करने से पहले भी एग्ज़ाम देना पड़ता है या ओनली बाद में? तो इसका आंसर सही है, जब आपका RSAT कोर्स स्टार्ट हो जाता है तो उसके कुछ महीनों बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि RSAT का मेन एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। तो इनका सवाल है, सर क्या बिना कोचिंग ज्वाइन किया मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? प्लीज़ सर रिप्ले। तो इसका सही उत्तर है, आप RSAT के लिए किसी भी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको RSAT सेंटर पर जाना होता है, उसके बाद वहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, उसी के बाद आप RSAT एग्ज़ाम दे सकते हैं और RSAT की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरें और RSAT का एग्ज़ाम दे दें और सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस पर RSAT एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको सबसे पहले RSAT एग्ज़ाम की जो भी जानकारी हो या जो भी सूचना अभी आई हो वो आसानी से मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो बुरी लगी है तो डिसलाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप RSAT एग्ज़ाम के बारे में अगर और भी कोई जानकारी है और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें और आप RSAT एग्ज़ाम के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। RSAT एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने RSAT एग्ज़ाम की पूरी बुक के जो 1000 से भी अधिक क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को लिया, उनके बाद उसमें से हमने 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जो कि RSAT एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी थे,
और उसमें से भी 70 क्वेश्चन बताए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आरएसएटी की सबसे जरूरी वीडियो है।